स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमें डिस्कस करना है कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कौन कौन सी होती हैं। एजुकेशन की जो वेरियस एजेंसीज हैं, उनमें बेसिकली जो कॉमन एजेंसीज हैं वो होती है इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजेंसीज। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन की फर्स्ट जो होता है वो, अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, फॉर्मल एजुकेशन ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जहाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, एक फिक्स प्लेस पे हम एजुकेशन लेने आते हैं और एक फिक्स करिकुलम होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। जैसे कि आप जनरली जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन में आप एजुकेशन लेने आते हैं। फिर सेकेंड जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आता है, या एजेंसी जो आती है वो आती है इनफॉर्मल एजुकेशन की एजेंसी, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर बात कीजिए तो इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के अंदर आने वाले एजुकेशन को हम इसमें कंसीडर करते हैं। जो कुछ भी हम जीवन के किसी भी हिस्से में अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो कुछ भी सीखते हैं उसे हम यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। इस तरह के इसमें जो एग्जाम्पल्स कंसीडर किए जाते हैं उसमें आपका आ जाता है सोसाइटी, आ जाता है फैमिली, आती है जो फ्रेंड सर्किल होता है, ये सारी चीजें इनफॉर्मल एजुकेशन में हम लोग रखते हैं। फिर जो थर्ड एजेंसी आती है वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या हो गया कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि जब फॉर्मल और नॉन इनफॉर्मल दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, नॉन फॉर्मल, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो निरौपचारिक शिक्षा क्या होगा कि ये इसमें एक फिक्स करिकुलम भी होता है, एक पाठ्यक्रम भी होता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे सारी चीजें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू या जैसे इग्नू है, इन सब के थ्रू जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं।